नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से। अब हम बात कर रहे थे निवेश की, तो स्वायत्त निवेश के बाद दूसरा जो निवेश आता है वो प्रेरित निवेश होता है। प्रेरित निवेश का अभिप्राय निवेश जो लाभ तथा आय के स्तर से प्रभावित होता है। यानी इसमें दो बातें इम्पोर्टेंट आ गई कि लाभ और आय, यानी अब लाभ बढ़ेगा या आय बढ़ेगी तो ये स्तर, इसका स्तर भी प्रभावित होगा। एंड्रूस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज इनकम एंड प्रॉफिट मोटिवेटेड। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रेरित निवेश आय तथा लाभ का फलन है। प्रेरित निवेश लाभ को प्रभावित करने वाले तत्वों, ब्याज दर, मजदूरी दर, कीमत में परिवर्तन पर निर्भर करता है। उसी प्रकार मांग मात्रा भी प्रेरित निवेश को प्रभावित करती है। यानी कि ब्याज, मजदूरी, कीमत परिवर्तन पर भी निर्भर होता है, उसी प्रकार मांग मात्रा भी प्रेरित है। जब आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है तो बड़ी मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता के अभाव में निवेश बढ़ाना पड़ता है। यानी कि जब मांग बढ़ जाती है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाना पड़ेगा। आपको नई फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी, नए संसाधन ढूंढने पड़ेंगे, रोजगार लाने पड़ेंगे। आपका जैसे आपका लाभ बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका लाभ बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी यानी प्रेरित निवेश हो गया आय लोचात्मक, यानी आय के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, आय में होने वाली कमी वृद्धि प्रेरित निवेश में कमी, यानी कुल मिला के आय और लाभ पर डिपेंड करता है। इस डायग्राम के माध्यम से समझिए कि जब हमारी इनकम आय, ओ एक्स पर हमने आय को बताया और ओ वाई एक्स पर हमने इन्वेस्टमेंट को बताया। इससे पहले जब हमने स्वायत्त निवेश पढ़ा था वो आय बिलोच होता था, यानी आय में परिवर्तन होने पर भी उसके निवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता था। परंतु प्रेरित निवेश में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी इनकम ओ वाई टू है, ओ वाई टू इनकम पे हमारा इन्वेस्टमेंट आई टू वाई टू, आई टू वाई टू इज इक्वल टू एल ओ, इसके बराबर है, एल ओ के बराबर है ये आई टू वाई टू। तो वाई टू इनकम होने, ओ वाई टू इनकम होने पर हमारे जो निवेश है वो आई टू वाई टू, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ के ओ वाई थ्री हो गई तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी एम ओ यानी आई थ्री वाई थ्री के बराबर हो गया। परंतु इसके विपरीत आप देखिए, यदि हमारी इनकम कम हो जाती है, मान लीजिए ओ वाई वन इनकम है, तो ओ वाई वन इनकम का हमारा जो निवेश है वो जीरो। यानी जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे निवेश बढ़ रहा है, और आय कम होने पर निवेश कम हो रहा है। तो प्रेरित निवेश जो होता है वो आय लोचात्मक होता है, इनकम इलास्टिक होता है, आय बढ़ने पर निवेश बढ़ता है, आय कम होने पर कम होता है। आय या लाभ जो भी कह सकते हैं, हमने निवेश करा तो लाभ हो गया। तो इस प्रेरित निवेश के भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये जो डिटेल है वो डायग्राम में डिटेल है कि प्रेरित निवेश वक्र वह है जो आय के विभिन्न स्तर पर निवेश की मात्रा को बताता है। जब ओ वाई टू है, ये वो चीज ओ वाई टू है, तो निवेश आई टू वाई टू है, आई टू वाई टू ओ एल इज इक्वल टू ओ एल, और जब आय घटकर ओ वाई वन रह जाते हैं तो निवेश घटकर शून्य हो जाता है। जब आय घटकर ओ वाई वन हो गया तो निवेश शून्य होगा, किंतु जब आय बढ़कर ओ वाई थ्री हो जाती है तो निवेश बढ़कर ओ एम हो जाता है, ओ एम इज इक्वल टू आई थ्री वाई थ्री। ठीक है, तो ये इस प्रकार स्पष्ट करता है कि निवेश आय बढ़ने पर बढ़ता है तो आय घटने पर बढ़ता है। प्रेरित निवेश के दो भागों में विभाजित करते हैं, होता है औसत निवेश प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, और दूसरा था सीमांत निवेश प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। तो हम देखते हैं औसत निवेश प्रवृत्ति क्या होती है। औसत निवेश प्रवृत्ति का अभिप्राय कुल निवेश का राष्ट्रीय आय से अनुपात होता है, कुल निवेश का राष्ट्रीय आय से अनुपात। तो आप देखिए कि इसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट का बोला कुल निवेश अपॉन कुल राष्ट्रीय आय, आई अपॉन वाई इन्वेस्टमेंट अपॉन वाई, यानी कि मान लीजिए आपकी इनकम 60 करोड़ है और निवेश 12 करोड़ है, तो औसत निवेश क्या हो गया, हमारा इनकम आया, इन्वेस्टमेंट आया 12 करोड़, ये 12 करोड़ और इनकम आई आई है हमारी 60 करोड़। तो यानी 60 करोड़ इनकम का 12 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा आपका 0.2 आया, 0.2 का मतलब हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू इनकम इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, ओआई टू होने पर औसत निवेश ओएलई की डायग्राम के बारे में बराबर होगी, तो 0.2 के बराबर आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट होगा। सीमांत यानी कुल मिला के फॉर्मूला जो है कुल निवेश अपॉन कुल राष्ट्रीय आय। सीमांत निवेश प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि सीमांत निवेश प्रवृत्ति का अभिप्राय कुल निवेश परिवर्तन का कुल राष्ट्रीय आय परिवर्तन से अनुपात को लगाया, यानी आपके राष्ट्रीय आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन
आय में परिवर्तन होने से आपके निवेश में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अनुपात जो होता है वो हमारा सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहलाता है। जैसे मान लीजिए 60 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो गए तो निवेश भी हमारा 12 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो गया। पहले 60 और 12 पे हमने एवरेज एपीआई निकाला था, अब हम क्या निकाल रहे हैं एमपीआई निकाल रहे हैं। एमपीआई कैसे निकाल, 60 से 80 आया और 12 से 17, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई आप देखिए, 60 से 80 यानी 80 करोड़ वृद्धि हो गई तो 20 की वृद्धि हो गई इनकम में, और इसमें कितनी वृद्धि हुई है 17 करोड़ में 5 की, 5/20=0.25 यानी 25% आप देख लीजिए कि इसमें सीमांत निवेश प्रवृत्ति है, यानी कि जो आप कमा रहे हैं उसका 25% आप निवेश कर रहे हैं और उससे पहले 20% निवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये उसी डायग्राम के बारे में डिटेल, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई एल एम अपॉन वाई टू वाई थ्री, यदि आपको इस डायग्राम को निकालनी है तो एल एम अपॉन ये चेंजेस आया आपकी इनकम वाई टू से वाई थ्री आई तो डेल्टा वाई आपका ये हो गया वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस वाई टू का डेल्टा वाई हो गया और डेल्टा आई क्या हो गया एल एम, यानी कि एल एम आपका डेल्टा आई हो गया। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई क्या था एम पी आई, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, यानी निवेश परिवर्तन और आय परिवर्तन का अनुपात हो गया। और सीमांत निवेश इसी प्रकार से जब हमने आई अपॉन वाई करी थी तो ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ओ वाई टू होने पर औसत निवेश क्या हो गया ओएल अपॉन ओ वाई टू, यानी कि इस पॉइंट वापस आई तो ओ वाई टू इनकम हमारी हो गई और उसमें निवेश कितना हो गया आई टू वाई टू, तो एपीआई क्या हो गया हमारा आई टू अपॉन आई टू वाई टू अपॉन ओ वाई टू। इसलिए इस डायग्राम के माध्यम से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब तीसरा जो प्रकार होता है निवेश का वो होता है सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आधुनिक युग में सरकार है आर्थिक क्षेत्र में काफी निवेश करती है, अतः सरकारी और सरकारी संस्थाओं द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश को सार्वजनिक निवेश कहते हैं, यानी जो सरकार द्वारा जो निवेश किया जा रहा है उसे सार्वजनिक निवेश कहते हैं। जो कि स्वायत्त निवेश मैंने ऊपर भी बताया था स्वायत्त निवेश कहलाता है, सार्वजनिक निवेश सड़क नहरों स्कूल अस्पताल सार्वजनिक क्षेत्रों के भवनों उत्पादनों उपक्रमों रेलों जन सुविधाओं अन्य कई विकास कार्यों पर किए जाते हैं। तो सार्वजनिक निवेश प्राय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं पर कभी कभी लाभ कमाने के उद्देश्य से भी सार्वजनिक निवेश किए जाते हैं। सार्वजनिक निवेश वो स्वायत्त निवेश भी हो सकते हैं, प्रेरित निवेश मतलब दोनों टाइप के हो सकते हैं, पर जनरली जो गवर्नमेंट द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है यानी वो लाभ को लेकर कर रही है तो वो प्रेरित निवेश हो जाएगा, और यदि वो स्टार्टिंग से निवेश कर रही है सड़क हो रही है स्कूल हो रही है अस्पताल हो रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिवेटेड तो होते नहीं है तो इनसे लाभ तो होता नहीं है, तो सार्वजनिक निवेश स्वायत्त निवेश भी हो सकते हैं और प्रेरित निवेश। तो ये सार्वजनिक निवेश जो सरकार के माध्यम से कराए जाते हैं। नेक्स्ट है निजी निवेश। निजी निवेश होता है जो निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, यानी कि निजी व्यक्तियों व्यावसायिक फर्मों या व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा किया गया निवेश निजी निवेश कहलाता है। निजी निवेश लाभ प्रत्याशाओं एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट पर निर्भर करता है। निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जा रहा है तो निजी क्षेत्र में जब तक प्रॉफिट मोटिवेटेड नहीं होगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब प्रॉफिट जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, लाभ प्रत्याशित ब्याज की दर पे और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करेगी। ब्याज की दर जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे को 5% ब्याज की दर पर और मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 4% की दर से तो वो मेरे लिए घाटे का सौदा हो जाएगा, वो निवेश नहीं होगा। यदि 5% ब्याज की दर पर मैं निवेश कर रहा हूँ तो मुझे 5% से ज्यादा अगर रिटर्न चाहिए। इसी प्रकार पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अर्थ एक अतिरिक्त इकाई की पूंजी लगाने पर उत्पादकता में जो परिणाम आ रहे हैं, तो एक अतिरिक्त इकाई पूंजी लगाने से मुझे जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा चाहिए। यदि वो उससे कम होगा 100 करोड़ लगाने पर यदि 100 करोड़ से ज्यादा की प्रोडक्शन नहीं मिल रही है तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा जब ब्याज की दर नीची हो और पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऊंची हो। जब ब्याज की दर नीची होगी कम होगी तभी उससे लाभ अधिक मिलेगा निवेशकर्ता को, और सीमांत उत्पादकता जो होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, यानी 100 रुपये लगाया तो 200 रुपये 150 रुपये का उत्पादन प्राप्त हो, यानी सीमांत उत्पादकता हाई होनी चाहिए। निजी निवेश प्रेरित निवेश की श्रेणी में आता है क्योंकि लाभ से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार से ये निजी निवेश होता है जो निजी व्यक्ति व्यावसायिक फर्मों या व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक या योजनाबद्ध निवेश, इंटेंडेड और प्लान इन्वेस्टमेंट, यानी ऐच्छिक और योजनाबद्ध है। तो इस प्रकार के निवेश की सरकार करती है क्या योजनाबद्ध निवेश देखते हैं क्या होता है। योजनाबद्ध निवेश का विवरण किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है, ये प्राइवेट भी कर सकती है गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्लानिंग होनी चाहिए काम में इसी प्लानिंग को लेकर करते हैं। योजनाबद्ध निवेश का विवरण किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर किए गए हैं,
योजनाबद्ध निवेश भावी मांग में वृद्धि अथवा भावी कीमतों में वृद्धि की प्रत्याशा में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया है। मतलब भविष्य में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि प्लांट है, प्लानिंग करके हम कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें लॉस करें तो क्या फायदा ऐसे इन्वेस्टमेंट। उत्पादन क्षमता में विस्तार में निवेश अथवा उत्पादन लागतें घटाने तथा लाभ अर्जन क्षमता बढ़ाने और सुनिश्चित नीति के अंतर्गत किया गया निवेश, सुनिश्चित नीति के अंदर किया गया निवेश ऐच्छिक अथवा योजनाबद्ध निवेश कहलाता है। तो ये हो गया निवेश, जो कि प्लान करके जो लाभ के उद्देश्य से उत्पादन लागत घटानी हो, लाभ अर्जन करना हो, तो ये दोनों कर सकते हैं सरकारी और निजी क्षेत्र। नेक्स्ट है अनैच्छिक और अनियोजित, यानी अनइंटेंडेड और अनप्लान्ड। अनप्लान्ड तो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, अनियोजित निवेश है, बिना सोचे समझे अनियोजित निवेश होता है, जो बिना किसी सोच समझ के किया होता है, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनियोजित ढंग से किया जाता है। जैसे कभी कभी अप्रत्याशित मांग में कमी हो गई तो बाजार में अवरोध हो गया, हड़ताल हो गई, युद्ध हो गया, प्रतिबंध हो गया, तो इस प्रकार से अनावश्यक माल का स्टॉक जमा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अनैच्छिक निवेश स्थिति से उभरने के लिए इस जो समस्या हो गई हड़ताल की, तो हमको कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या किसी प्रकार का कोई उपाय करना पड़ेगा जिससे उस समस्या का समाधान निकलेगा, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है सकल अथवा विशुद्ध निवेश। सकल अथवा विशुद्ध निवेश का क्रॉस और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट से होता है जैसे कि किसी देश में निश्चित अवधि में किए गए समस्त पूंजीगत व्यय, इसमें आता है समस्त पूंजीगत व्यय के जोड़कर सकल निवेश कहा जाता है, जो प्राय वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत परिसंपत्तियों में हुई कुल वृद्धि के बराबर होता है। यानी कि ये जो जोड़ होता है, ये जो निवेश होता है, वो टोटल आपने जितना भी इन्वेस्ट पूंजीगत व्यय होता है, सड़क सरकार के द्वारा तो सड़क, चिकित्सा, पुल, इस तरह की चीजें बनाई, और जो निजी क्षेत्र होता है वो नए प्लांट लगाना, नए उद्योग धंधे बनाना, यानी लाभ मोटिव प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है, तो इस वजह जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सब इसमें शामिल हो जाता है। जबकि सकल निवेश में से वार्षिक मूल्यह्रास, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें से हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, इसे अप्रचलन अप्रभार कह सकते हैं, या स्थायी पूंजी का उपभोग कह सकते हैं, तो मूल्यह्रास होता है। यानी मूल्यह्रास क्या होता है, जैसे मूल्यों में कमी हो जाती है, उसको घटा दिया जाए। भाई एक मशीन है, हमने ये माना कि 10 साल में खराब हो जाएगी, तो हम उसका मूल्य कम करते चले जाते हैं, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। तो ये ऑब्सोलेट चेंजेस का घटा दिया जाए तो शेष बचता है शुद्ध निवेश हो जाता है। यानी कि ग्रॉस में से जब हम एनुअल डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट आता है। तो इस प्रकार से ये जो इन्वेस्टमेंट के प्रकार होते हैं, शुद्ध निवेश क्या हो गया, सकल निवेश में से मूल्यह्रास तथा अप्रचलन प्रभार, ये देश में वर्ष के दौरान पूंजीगत हुई स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि को प्रकट करता है, उसका प्रकट करता है। तो इस प्रकार से हमने 7 प्रकार के जो निवेश देखे हैं। जैसे तो मुख्य रूप से हम जो बात करते हैं तो स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश होते हैं, और प्रेरित निवेश में जो 2 रूप आ जाते हैं वो हो जाते हैं एपीआई और एमपीआई। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, एपीआई और एमपीआई, क्योंकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू इनकम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इनकम, ये टर्म जो है वो कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, उस डायग्राम याद होना चाहिए, डायग्राम के माध्यम से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये आय बेलोच आय लोचात्मक होता है, आय बढ़ने के कारण निवेश बढ़ता है, और ये स्वायत्त निवेश जो होता है वो आय बेलोच होता है। तो इस प्रकार से और एवरेज औसत निवेश प्रवृत्ति जो है आई अपॉन वाई एपीआई, इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी आप लिखें एग्जाम में अभी अच्छे मार्क्स के लिए। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इनकम, जैसे कि हमने कंजप्शन में देखा था, कंजप्शन में भी होती है थी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, इसी प्रकार से ये टर्म्स है
एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी। तो इस प्रकार से आप सब पढ़ें। धन्यवाद।